हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2018, जो कि फाइनली आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। पूरे स्टूडेंट का रिव्यू उसके लिए मैंने सेंटर पर जाके लाइव वीडियो भी किया था और बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू लिया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का पूरा रिव्यू है, जिनके अकॉर्डिंग मैं फाइनली डिस्कस करूँगा मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप को। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है टीयर 1 में, अगर इतना बन रहा है, तो आप टीयर 2 के लिए तैयारी अभी से प्रिपेयर कर दो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट बी तफसील। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जान लेना है ये सीजीएल की तरफ से, एसएससी सीजीएल की तरफ से जो आपका अपडेट आया है एसएससी की तरफ से एग्जामिनेशन अपडेट को लेके, जो पूरा एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 2018 फॉर अप्रॉक्स 25 लाख 25.87 लाख कैंडिडेट्स ये वो किए थे, इसको फॉर्म भरे थे। 362 वेन्यूज बनाया गया था 132 सिटी में, ये काम का नहीं हमारे। 4 तारीख से शुरू के 13 तारीख के बीच में आपका पूरा हुआ था, जिसमें से जितने भी स्थान थे कुल मिला के वहाँ पे, इसमें जो अपीयरेंस स्टूडेंट थे वो कुल मिला के 33.06%, ठीक है, कुल मिला के सिर्फ इतने स्टूडेंट्स इसमें अपेयर हुए हैं। टोटल वो का जितने अपेयर था, मतलब 25.87% का 33%, लगभग 8 लाख के करीब आसपास में, 8.5 लाख के करीब इस पर विद्यार्थियों ने दिया। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स की अपेक्षा इस बार जो कट ऑफ होगी वो आपकी कम जाने की चांसेस है, या जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे उनमें नॉर्मलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट अपडेट्स हम अपने देख लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम को लेकर और इस वर्ष के एग्जाम के लेकर, जो जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सारे के वीडियोस मैंने पहले ही दे दी थी। एग्जाम का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये अब कट ऑफ की बारी है तो इसमें जरूर बता देना। जो रीजनिंग का है वो हर साल हर ईयर्स ईजी ही आता है, लेकिन इस बार ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मॉडरेट इन इनिशियल डेज इज इन लास्ट डेज, ये था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इंग्लिश जो था, इंग्लिश इजी था दोनों में सेक्शन में, आपके चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या वर्ड्स को लेके हों, ठीक है, पैसेज के लेके हों, इन सबको। जनरल अवेयरनेस ये था इसमें कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो वो मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते थे, लेकिन इस बार का जो था वो 15 से 18 के बीच में आप कर सकते थे अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन। इससे ऊपर ने बहुत सारे डिफरेंट के कई क्वेश्चन अजीब तरीके से क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिए गए थे या पूछ लिए गए थे। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम अपने तीन सेक्शन में जो कि आपका कट ऑफ होगा। फ्रेंड्स, जो हमारी पहली लिस्ट होगी उसमें जनरल का, देखो ये जो ऊपर का 2 सेक्शन है फ्रेंड्स वो स्टैटिकल डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जो ग्रुप बी की सारी पोस्ट है उनके लिए है, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए नीचे दे रखा है। और नीचे वाला जो पोस्ट है आपके, नीचे वाला जो कट ऑफ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, कट ऑफ ही होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इसमें जनरल की जो मैंने रखी है 138-140 के बीच में, ओबीसी 126-130, एससी कैटेगरी का कट ऑफ रखे मैंने 116-120 के बीच में। सेम ऐसे लिस्ट 2 जो हमारे 138-142 के बीच में, ओबीसी 122-126, एससी 115-120, और लिस्ट 3 जो ग्रुप सी की पोस्टों के लिए है 118-122, ओबीसी 102-106 और एससी 88-94 के बीच में। फ्रेंड्स, अगर कोई आपका कोई भी कमेंट होता, कोई भी क्वेरी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।